वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत अच्छा और एक ऐसा प्री कंडीशनर बताऊंगी जिसे लगाकर ना आप अपने बालों को काला बना लेंगे। बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट है और ये आपके बालों की जो जड़ें हैं उन्हें जड़ों से ही काला बनाना शुरू कर देगा। क्योंकि ऐसा होता है जब आपके बाल सफ़ेद होते हैं तो वो जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो सकती है, खाने की वजह से हो सकती है, और बहुत लोगों को ये एक बीमारी भी होती है जिसे बाल फगुआ कहते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं वाइट बालों के, लेकिन आपको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप उस तरीके से अगर इसे यूज़ करेंगे तो आपके बाल वहीं रुक जाएंगे और जड़े बालों की काली होने शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये मैंने लिया है भृंगराज पाउडर। भृंगराज बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने का काम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सबसे अच्छी हार भृंगराज और आंवला दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो बालों को आपकी जड़ों से काला बनाने का काम करती हैं, बालों की जड़ें मजबूत करती हैं, बालों को घना बनाती हैं। तो इसके लिए हम लेंगे भृंगराज पाउडर। देखिए, इस तरीके से हम ले लेंगे भृंगराज पाउडर। अब ये मैंने ले लिया है 1 चम्मच भृंगराज पाउडर। इसमें आप जो भी प्री कंडीशनर यूज़ करते हैं, प्री कंडीशनर मतलब आप शैम्पू से पहले जैसे कंडीशनर लगाते हैं, तो आप जो भी प्री कंडीशनर यूज़ करते हैं वो आपको लेना है। तो मैं इसके लिए ले रही हूँ, देखिए, गो नेचुरल का प्री कंडीशनर। ये बहुत ही अच्छा है इसका कंडीशनर का रिजल्ट। तो इसमें बहुत सारी इतनी अच्छी हर्ब मिक्स की गई हैं, अर्गन ऑयल, जोजोबा, लेवेंडर ऑयल, मैंगो सीड, क्योंकि मैंगो सीड बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, और इसमें यूज़ किया गया है बटर। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्री कंडीशनर है वो ले लेंगे हम इसमें। अब इसमें 1 चम्मच के करीब हम, क्योंकि 1 चम्मच तो हमें चाहिए चाहिए बालों को अच्छे से, पूरी जो बालों की लेंथ है उसमें भी, और पूरे बालों को कंडीशनर करने के लिए। तो इसमें 1 चम्मच हम प्री कंडीशनर मिक्स कर लेंगे और इसको हमें थोड़ा सा पतला करना है। इसके लिए आपके पास जो भी सीरम अवेलेबल है आप वो ले लीजिए। और देखिए, इसमें मैं लूँगी, ये मैंने मेथी का जेल बना के रखा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए, ये भी बहुत अच्छा कंडीशनर है। तो इसमें अब मैं डालूँगी 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, 2 चम्मच मैं ले रही हूँ इसमें मेथी का जेल, क्योंकि मेथी भी बहुत अच्छी होती है बालों के लिए, बालों को काला बनाने के लिए। और ये मैं आपको एक इतनी अच्छी नेचुरल रेमेडी बता रही हूँ जो हर उम्र के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसे इस्तेमाल करके आप अपने हर उम्र में अपने बालों को कलर दे सकते हैं, बालों की जड़ों को मजबूत रख सकते हैं, और बालों का जो टूटना झड़ना है वो तो बिल्कुल बंद हो जाएगा आपका। और इससे आपके बालों की ग्रोथ, अगर हफ्ते में आपने जैसे शैम्पू करते हैं, शैम्पू से पहले आप इसे इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि बहुत लोग हफ्ते में 2 बार शैम्पू करते हैं, 2 हफ्ते में 3 बार शैम्पू करते हैं, तो आप अगर शैम्पू से पहले हफ्ते में 2 बार भी इसे इस्तेमाल करते हैं, आपकी बालों की ग्रोथ 3-4 गुना बढ़ जाएगी। इससे बाल बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें मैंने जो मेथी का जेल लिया है वो बहुत ही जल्दी बालों को बढ़ाता है, और बालों का तो टूटना आपका बिल्कुल एक ही बार में बंद हो जाएगा, क्योंकि मेथी बालों को बहुत ही जल्दी मजबूत बनाती है, बहुत ही सॉफ्ट बनाती है। तो इस तरीके से भृंगराज, प्री कंडीशनर और मेथी का जेल, तीनों चीज़ें मिक्स करके आप अपने बालों को बहुत ही जल्दी काला बना सकते हैं, घना बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। बहुत ही नेचुरल रेमेडी है, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। आपको इसे बनाने के लिए, आप बनाना मैंने आपको बता दिया, इसे लगाना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको नॉर्मल अपने सिर में जैसे आप ऑयलिंग करते हैं, इस तरीके से प्री कंडीशनर को इसे अपने बालों में अच्छे से लगाकर हल्की सी मसाज कीजिएगा, जब थोड़ा सा जिससे कि इसका पूरा इफेक्ट बालों की जड़ों में चला जाए। अपने बालों की जितनी भी आपकी लेंथ है बालों में अच्छे से इसे कवर कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसे 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिएगा। 10 मिनट के बाद आप जब नेचुरल शैम्पू से सिर को वॉश करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, आपके बाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ डबल हो जाएगी, बाल घने हो जाएंगे। बहुत सारे फायदे हैं इसके, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। और इस रेमेडी में जितनी भी मैंने हर्ब मिक्स की है वो सब आपको किराना स्टोर से, क्योंकि कंडीशनर भी आपको आराम से मिल जाएगा। और आपको अगर गो नेचुरल का कंडीशनर चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।